5 yoga poses to improve your memory. नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो 5 योगासन। सर्वांगासन। सबसे पहले आप मैट लीजिए और उस पर सीधा लेट जाइए। दोनों पैरों को सीधा रखिए, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले धीरे धीरे लेग ऊपर की ओर, अपनी बैक पर दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए एल्बोज को अंदर करना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से इस तरह से लेग्स को ऊपर ले जाना है। ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट रखनी है, तो आप उसको और अंदर पुश कीजिए और इस तरह से यहाँ पर रुक जाइए। श्वास एकदम नॉर्मल। वापस आते हुए पैरों को पहले धीरे धीरे पीछे लाइए, आराम से अपनी बैक को नीचे रखिए, हिप को नीचे रखिए और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाइए और फिर शवासन की स्थिति में आपको लेट जाना है। हलासन। सबसे पहले आपको पैरों को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है और धीरे से नीचे लेट जाना है अपने मैट की ओर। दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में रहेंगे इस तरह से, ना ज्यादा नीचे रखने हैं ना ज्यादा बाहर की ओर। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर ले जाना है, श्वास को अंदर खींचते हुए। तो हम 30 डिग्री से, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक पैरों को यहाँ पर पहले ले आएंगे। अब यहां से हाफ जाते हुए जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपको पूरा श्वास बाहर की ओर छोड़ना है और धीरे से पैरों को पीछे की ओर ले जाना है। धीरे धीरे वापस आना है और दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में और शवासन में लेट जाना है। पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले आप मैट ले लीजिए एक और अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए। कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फॉरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगिनर हैं वो ज़्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को ऊपर करके थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति, मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देखरेख में आप ये आसन जरूर करें। अब अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए इनहेल करते हुए
खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल और फिर एक्सहेल और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। वज्रासन। सबसे पहले अपना मैट लीजिए, अपने पैरों को इस तरह से फैलाते हुए पहले इस स्थिति में मतलब दंड स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे की तरफ। अब एक एक करके अपने पैरों को पीछे की ओर लाइए, एक बार राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग। पोस्चर देखेंगे कि आपके जो टोज हैं एक दूसरे से मिले हुए हों या एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हो। आपके जो हील्स हैं ये आपके खुले हुए होने चाहिए, आपको हील्स के ऊपर बैठना नहीं है, ये रॉन्ग है। आपको हील्स इस तरह से खोलते हुए आपके हिप बिल्कुल इस तरह से टिकाने हैं अपनी हील्स के अंदर। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आपकी जो बैक है उसको ज़्यादा आगे की तरफ स्ट्रेच नहीं, ये आपको पीछे की तरफ इस तरह से मतलब आपके जो हिप हैं उनको अंदर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथ घुटनों की तरफ रखने हैं। सामने की ओर देखना है, आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान रखते हुए अंदर और बाहर। कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है एक्सरसाइज को करने में, स्टमक को अंदर बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ बैठना है इस मुद्रा में। तो ये थे वो 5 योगासन जो कि आपकी मेमोरी के लिए काफी लाभप्रद होते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये जानकारी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को।